अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, क्या हाल हम सबके, खैरियत से हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमने आ आइन से लेके बे आइन तक जो मुकम्मल जो लैंग्वेज कोर्स है वो हमने दोबारा शुरू किया है, ठीक है। और जो कल पहला लेसन हमने अपलोड किया था, ठीक है, और आज उसका दूसरा लेसन होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक पूरा कोर्स होगा हमारा इकट्ठा A1 से लेके B1 तक, लेकिन ये एक तरतीब के साथ चलता जाएगा, ठीक है। पहले हम आपको बताते जाएंगे कि यहाँ से A1 खत्म हो गया, साथ ही A2 शुरू हो गया, और उसको हम नंबर वाइज करते जाएंगे, ठीक है। कल का जो लेसन था वो लेसन नंबर 1 था, ठीक है, जो शुरू कर रहे हैं A1 से लेके या B1 तक जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम तमाम चीजें जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि A1 की तमाम चीजें कवर करें, फिर उसके बाद हम B1 की जो चीजें हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा आज का हमारा दूसरा लेसन है, ठीक है। आज का पहले लेसन में जैसे हमने कहा था कि जब आप जर्मन जुबान सीखना शुरू करते हैं तो आपको इन आर्टिकल्स के बारे में, यानी जो नाउन्स हैं या नॉमिनेटिव जो केस है उसको बारे में पहले पता होना चाहिए, ठीक है। जर्मन जुबान में ये तीन केस या चार जो केसेस हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव, अकुसेटिव, डेटिव और गेनेटिव, ये सीखने जरूरी है, ठीक है। लेकिन कल हम जो स्टार्ट लिया था वो हमने नॉमिनेटिव से लिया था, ठीक है। ये जिस नॉमिनेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ये आर्टिकल्स के बारे में या नाउन्स के बारे में जो है वो बात करते हैं। ये आपको याद होगा कल हमने बात सीखी थी कि जर्मन जुबान में ये तीन डिफरेंट आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। ओके, और जर्मन, ठीक है, इंग्लिश में तो आपको पता ही, जैसे हमने कल भी बताया था, सिर्फ दी या दा लगा के हमारी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जर्मन में इस तरह नहीं है। ओके, आज हम इस बात को, अगर आपने कल का लेसन देख लिया तो ठीक है, आज इस बात को हम आज थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, ठीक है। कल हमने देखा था, कल ये भी चीज मैंने सीख चुके हैं, दे आर्टिकल किन के साथ लगता है, दी कैसे लगता है, दस कैसे लगता है, ठीक है। अब इसमें और दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि इन आर्टिकल्स को जब हमने सिंगुलर में लिखना है, सिंगुलर में, जैसे अगर देर है तो आइन आएगा, देर है तो क्या आएगा, आइन, दी है तो आइन, दस है तो आइन लिखा जाएगा सिंगुलर आर्टिकल में, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज भी हमने कल सीख ली है। एक चीज जो आपने मजीद वो सीखनी है वो जरा गौर से जरा नोट कीजिएगा प्लीज, ठीक है, कि जब ये जो आर्टिकल्स हैं जैसे कि देर है, दी है, दस है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, सिंगुलर यानी एक नाउन को। जैसे अगर देव मन है, ठीक है, क्या है, देव मन है, तो ये एक आदमी की बात हो रही है, ओके। अगर दी फ्राओ है, इसका मतलब है कि एक फ्राओ की बात हो रही है, ठीक है। अगर दस आउटो है तो इसका मतलब है एक आउटो की बात हो रही है, ठीक है। ये यानी कि मन के साथ देरी आएगा, दी फ्राओ और आउटो दस, ये आर्टिकल, ठीक है। अब अगली बात सुने, अगर हमने है, ये बात जरा गौर से आप देखिए कि अगर हमने इन आर्टिकल्स को, इन यानी कि इन नाउन्स को, ठीक है, अगर हमने प्लूरल में लिखना हो, प्लूरल में कैसे लिखेंगे, ये मुझे ये बात आपने पहले सीखनी है, ठीक है। मसलन अगर मैं लिखना चाहता हूं देर मन, तो मैं लिखूं, अगर मैं ये कहना चाहूं तो आदमी, यानी प्लूरल में, फिर क्या होगा, फिर कैसे लिखेंगे आप, ये जरा बताएं, मुझे बताएं, मन की जमा क्या होती है, मन की जमा होती है मैन, दी, ठीक है, मैन, अच्छा आर्टिकल देर आएगा, क्या रहेगा, देर मैन लिखा जाएगा क्योंकि देर मन होता है, नाइन, ठीक है, प्लूरल में, ठीक है, प्लूरल में है जो आर्टिकल लिखा जाएगा वो दी लिखा जाएगा, दी मैन, ओके। यानी कि सिंगुलर में जो उसका सिंगुलर में देर, दी, दस, ये कोई भी एक आर्टिकल लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन जब आप इन तीनों को, जब आप इन तीनों को प्लूराल में लिखेंगे, जमा में लिखेंगे, वाहिद से जमा में, ठीक है, जैसे हम उर्दू में वाहिद जमा करते हैं, यू नो दैट, ठीक है, जब आप इनको वाहिद से जमा में लिखेंगे, ठीक है, उसका अपना आर्टिकल जो है उस वो खत्म होता जाएगा, ठीक है, और उसके साथ दी आर्टिकल लिखा जाएगा सबके साथ, चाहे वो देर है, चाहे दी है, चाहे दस है। आगे देखिए, दी फ्राओ है, ठीक है, एक एक औरत, यानी कि एक, ठीक है, अब इसको प्लूरल में लिखें, दी फ्राउन है, क्या बनेगा, दी फ्राउन, नीले में लिख देते ना, है, FRAUEN, ठीक है, दी फ्राओ, इन सिंगुलर में भी दी आर्टिकल है और प्लूरल में भी दी फ्राउन हो जाएगा। अच्छा आगे क्या है, दस आउट हो, क्या है, दस आउट हो, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे गाड़ियां, ओके, क्या बनेगा, गाड़ियां, तो क्या बनेगा, दस आउटोस, दस आउटोस, ओ सॉरी, दी आउटोस, स्टूड में लाइ, दस आउटो है तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, दी आउटोस। तो अब आपके साथ पास कितने आर्टिकल हो गए, चार, कितने आर्टिकल हो गए, 1 2 3 4, कैसे, ठीक है, देर, दी, दस और एक प्लूरल दी वाला हो जाएगा,
ओके, अब आपने इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपने अकोजाटी पढ़ना है, डाटी पढ़ना है, तो उसमें आपको पता भी होना चाहिए कि भाई प्लूरल में ये है, ठीक है, जबकि प्लूरल कैसे बनता है, जब हम किसी नाउन को प्लूरल में लिखेंगे, ठीक है, प्लूरल में लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो जुमला आपका वो नाउन है वो आपका प्लूरल होगा और उसका आर्टिकल डी लिखा जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये कि जब ये जो अब इसमें जो प्लूरल वाले नाउन्स हैं वो तो सिंगुलर में नहीं लिखे जाते हैं, प्लूरल वाले जो नाउन हैं वो सिंगुलर में नहीं लिखे जाएंगे, सिंगुलर में तभी लिखते हैं ना जब कोई चीज एक है, ठीक है। अब मैं कहूंगा एक आध मैनर आइन आइन नहीं आएगा ना, या आइने नहीं आएगा, क्योंकि ये जमा में है, जब चीज जमा में होगी सिंगुलर खत्म। ओके, अंडरस्टैंड, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, तो अब आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर लें, देर मन दी फ्राओ या जस्ट, जब किसी को भी सिंगुलर के को आप प्लूरल में लिखेंगे तो वो बनेगा उसका दी मैन दी फ्राओ दस आउटोस, ठीक है। कुछ आपके सामने मैं ना आपके एक सेकंड मुझे दें, कुछ और भी मैं लिखना चाहता हूं आपके साथ, जैसे कि एक देखें, अगर है देर ठिश है, अगर आपके पास है देर ठिश बाइश भी ठीक है भाई, ठीक है, उसके बाद है दी याके है दी याके, ओके, और एक आप ले लें दस की ले लें बायश पील, दस का मेरे पास है कि नहीं, चले दस हैंडी ले लें, ऐसे ले लें दस हैंडी कर लेते हैं, ठीक है, ओके हैंडी। अब इसकी एक इसकी मिसाल भी जरा आप नोट करें, जरा नोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दे ठीश है तो क्या हो जाएगा प्लूरल में, दी ठीश क्या हो जाएगा, दे ठीश है, ऊपर हम दी आर्टिकल लगा लेते हैं क्योंकि प्लूरल में लिखना है, तो दे ठीश है तो ये हो जाएगा दी ठीश, ठीक है जी, ओके, क्या हो जाएगा दे ठीश दी ठीश, ओके, दी याके दी याके दी याकन, ठीक है, सिंगुलर में भी दी और प्लूरल में भी दी आर्टिकल रहेगा, ठीक है, दी याके दी याकन, दस हैंडी यानी एक हैंडी की बात हो रही है, दस हैंडी दस दी हैंडीज, ठीक है, हैंडी की जो मैं हैंडीज होती है, यू नो दैट, समझा ली बात डियर फ्रेंड्स, तो ये बात आप अंडरस्टूड अच्छी तरह कर लें, अगर आप ये बेसिक चीजें सीखना चाहते हैं, अगर आप ग्रामर को इजीली सीखना चाहते हैं, तो यू मस्ट लर्न दिस सच इजी एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, देर ठीश है तो प्लूरल में उसका देर आर्टिकल खत्म हो जाएगा प्लूरल में, और ठीश ठीशे हो जाएगा और दी आर्टिकल लिखेंगे दी ठीशे, गुड, ओके। अच्छा, दी जाके सिंगुलर में दी जाके होता है यानी एक जैकेट, और प्लूरल में लिखेंगे दी याकन, सही है दी याकन, गुड। इसी तरह दस हैंडी है तो प्लूरल में क्या हो जाएगा दी हैंडीज, ठीक है दी हैंडीज, ओके गुड। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल, एक और देख रहे एग्जांपल इसकी, ठीक है एक सेकंड, ये बहुत चीजें जरूरी हैं, ठीक है, आपको जब फिर आप जब जाके जुमले बना रहे होते हैं आपको साथी में ये डाटे में आप कहेंगे ये कहां से आ गया, क्योंकि ये चीज का पता नहीं होता ना कि ये कहां से आ गया, तो देर दी दस है ये प्लूरल वाला कहां से आ गया, इसलिए पता होना चाहिए आपको इन चीजों का भी, ठीक है गुड, ओके। अगर आप एक और देखें देर आर्टिकल के साथ देखें देर हुंड होता है देर हुंड, समझा नहीं बात आपको डियर फ्रेंड्स, ओके। आगे देखें आप दी वाली ले लें दी साइटुंग है दी साइटुंग, ओके दी साइटुंग है, और बायश्पील आप ले लें दस हाउस ले लें है दस हाउस ले लें, ठीक है, ये तीन आर्टिकल्स आपके, ये आपको आर्टिकल्स के से कोशिश करें जब भी आप नाउन याद करें आर्टिकल्स के साथ याद करने की कोशिश करें, ठीक है गुड। अब क्या होगा वहीं ऊपर हम दी आर्टिकल लिख लें, लिखें आराम से यहां पे इजी, ओके ओके डियर फ्रेंड्स। अच्छा, देर हुंड है तो क्या बनेगा इसका आर्टिकल प्लूरल में, देर हुंड दी हुंड, सबसे पहले आर्टिकल खत्म करना आपने, देर खत्म दी हुंड होगा, ठीक है ये अंडरस्टैंड कर लें इजी रहेगा आगे जाके, आप देर हुंड है तो क्या बनेगा दी हुंड है, ओके। आगे साइटुंग के साथ है अखबार, साइटुंग कहते हैं अखबार को, उसके साथ दी आर्टिकल आता है, ठीक हो गया वेरी गुड। अब हम लिखेंगे दी साइटुंग, अब इसके लिखेंगे अखबारें तो क्या बन जाएगा दी साइटुंगन, वेरी गुड, क्या बनेगा दी साइटुंगन है दी साइटुंगन, ओके, यानी कि दी दी इधर भी दी रहेगा, ठीक है। दस हाउस, जो हाउस है उसके साथ दस आर्टिकल आता है, ओके, तो ये क्या बनेगा दस हाउस है तो क्या बनेगा दी हाउस, हाँ जी
गुड डियर फ्रेंड्स, अब आपका हाउस ऑफ गाबे ये है, आज के लिए इतने रखेंगे, इसको अभी वाइटा पढ़ेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि बाई के जो देर आर जो आपके आर्टिकल्स हैं, आपके जो आर्टिकल्स हैं देर दी दस, जब आप उनको प्लूराल में लिखेंगे कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इस जब प्लूराल में लिखेंगे तो हमारे पास चार आर्टिकल हो जाएंगे, देर दी दस सिंगुलर में और एक आर्टिकल दी प्लूरल में, ठीक है। अब आप हाउस ऑफ गाबे घर में ले, कुछ नाउन ले देर दी दस के साथ, उनको प्लूरल में लिखे, एक तो आपके पास नाउन याद हो जाएंगे और आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इस लेसन को अभी हमने आगे कंटिन्यू करना है, ये हमारा नॉमिनेटिव चल रहा है, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि ये बेसिक चीजें है ना, ये बेसिक चीजें आपको आएंगी तो फिर आगे जाके जो मुश्किल चीजें हैं वो फिर आपके लिए आसान हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह, ठीक है। So thank you very much for watching and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care dear friends.